आगामी स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में जिला गांदरबल में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त गांदरबल फारूक अहमद बाबा ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट के साथ सलामी ली। परेड का निरीक्षण किया गया और गढ़दुरा स्टेडियम सरकार के राष्ट्रीय समारोह के परेशानी मुक्त उत्सव के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया गया। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने यहां पर मार्च पास्ट को जेकेपी, जेकेएपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और होम गार्ड की प्रतियोगियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा रंग बिरंगी सांस्कृतिक वस्तुओं और थीम पर आधारित स्किट्स को फुल ड्रेस रिहर्सल के एक हिस्से के रूप में प्रसिद्ध स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एडीसी ने प्रतियोगियों के साथ बातचीत की और आयोजन की उनकी तैयारियों की सराहना की। अपने संबोधन में एडीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के महत्व की सराहना की और जिले में विभिन्न विभागों द्वारा पंजीकृत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों और चालू वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत उपलब्धि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिले के सभी ब्लॉकों को सर्वांगीण और समान विकास की सुविधा हो। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा जिले में कोविड 19 महामारी के संबंध में किए गए शमक प्रयासों पर बात की। न्यूज प्लस के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट। जिला गांदरबल में कोविड 19 के हवाले से एहतियाती तदाबीर को रोबामल लाने के लिए दफातर, बैंक, मजहबी इबादतगाहें बंद रखी गई ताकि इस वबा को कंट्रोल किया जाए। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर्स की नामजदगी, अंदरूनी बिरूनी हरकत सकनात की रोकथाम, लाउड स्पीकर पर अवेयरनेस, आवाज को मुतकल किया गया कि इन एहतियाती तवाबीर पर अमल करें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।